नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। एक्शन। कळा वयात मुलींच्या गोष्टीचं आकर्षण असतं ते समजा हे बोलत मला प्रेमाचा अंक पुरत असताना तो कसा पडायचा असा अभ्यास करून ही माणसं आली असते। ओके ओके फिल्मचं नाव आहे गडबड झाली। हे आम्ही फिल्म सिटीमध्ये शूट करतो आहे। प्री क्लायमॅक्सचा एक भाग आज आम्ही सकाळी शूट केला आणि आता आम्ही फिल्मच्या सुरुवातीचा भाग शूट करतो आहे आणि सकाळी आणि संध्याकाळी दोन्ही वेळेला आम्ही फाईट सिक्वेन्सेस करतो आहे शूट। मी या फिल्ममध्ये मुख्य भूमिका करतो आहे। संजय नावाचं कॅरेक्टर आहे, कोल्हापूरचं आहे आणि खूप छान गमतीशीर प्रसंग होत असतात त्याच्या आयुष्यामध्ये आणि कशा पद्धतीने तो ते प्रसंगाला सामोरा जातो आणि मग त्याच्यात कसा गुरफटत जातो आणि गुरफटताना स्वतःच आनंद घेतो आणि त्याच्या इतर जे अवतीभोवती लोकं आहेत त्यांच्याशीही तो त्याच पद्धतीने वागण्याचा प्रयत्न करतो। म्हणजे प्रसंग जरीही खूप संवेदनशील असला किंवा खूप सिरियस असला तरी तो त्याला त्याचा बघण्याचा दृष्टिकोन खूप साधारण आहे आणि मला असं वाटतं की क्षणाक्षणाला प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये खूप असे जरी सिरियस वाटलं वातावरण तरी त्या सिरियसनेसमध्ये कुठेतरी असे प्रसंग असतात ज्यात माणूस स्वतःला स्वतः आनंद उपभोगू शकतो आणि तेच ह्या फिल्मच्या मार्फत आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आहे की हसत राहा, खेळत राहा, आनंदात राहा, दुसऱ्यांना आनंद द्या आणि तो हा एक साधारण एक संदेश या फिल्मच्याद्वारे आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतो। माझा एक सिग्नेचर डायलॉग आहे, अडलेल्याला हात आणि नडलेल्याला लात, मराठी माणसाची हीच एक खास बाब, नादच करायचा नाही। गडबड झाली या प्रांजली प्रोडक्शन्सच्या फिल्ममध्ये मी प्रीती हे कॅरेक्टर प्ले करते आणि हा चित्रपट स्वीकारण्याचं बेसिक रिझन होतं की मला फर्स्ट टाईम मी एका मेल कॅरेक्टर पोर्ट्रे करते या फिल्ममध्ये। मला सरदारजीचा लुक पण आहे या फिल्ममध्ये आणि खूप मजा येते आहे मला, कारण पगडी आणि सरदारजीचा वेश इट्स व्हेरी डिफरंट आणि खूप मजा येते मला हे कॅरेक्टर पोर्ट्रे करताना। बॉडी लँग्वेज सरदारजींची किंवा जसं ते बोलतात आणि ती जी तिची गडबड आहे, काही ॲक्च्युली स्टोरी लाईन अशी आहे की तिची काही सर्कमस्टन्सेस तिच्या आयुष्यात असे येतात की ज्याच्यामुळे तिला हे सरदारजीचं रूप धारण करावं लागतं, पण ही एक आउट अँड आउट कॉमेडी फिल्म आहे, सो प्रेक्षकांना खूप मजा येईल ही फिल्म बघताना अशी मी आशा करते। खूपच कठीण आहे कारण बेसिकली एक तर आवाज, माझा आवाज स्वतः खूप नाजूक आहे आणि मी कितीही मुलासारखा आवाज काढायचा प्रयत्न केला, कितीही बेसमध्ये, तरी तो तितका नाही येऊ शकत। सो मला त्याच्यासाठी खूप प्रयत्न करावा लागतो की एक पुरुषी बेसमध्ये मी बोलू शकेन। त्याच्यानंतर बॉडी लँग्वेजमध्ये आम्ही मुली कशा बसतो, मुलं कशी बसतात आणि त्यात सरदारजी कसे बसतील, त्यांची जी बॉडी लँग्वेज असते एकदम पाजी जसे ते असतात, सो ते मी प्रयत्न करते ते सगळं करायचा आणि मला मजा खूप येते कारण मी फर्स्ट टाईम असं काहीतरी पोर्ट्रे करते। मी सगळं नाही सांगू शकत तुम्हाला, नाही तर मग तुम्हाला फिल्म बघताना मजा नाही येणार, पण हो असे सिक्वेन्सेस आम्ही काल शूट केलेत की मी सरदारच्या वेशात आहे आणि माझ्या मागे खूप गुंड लागले आहेत आणि मग संजय म्हणजे जो हिरो आहे या फिल्मचा राजेश शृंगारपुरे तो येऊन मला वाचवतो असा आम्ही सिक्वेन्स केला आहे, पण त्याच्या मागची हे नाही मी सांगणार तुम्हाला, ते सरप्राईज आहे। हे तुम्ही कुठून ऐकलं? कुठून ऐकलं? मला लोक टी व्ही बंद करतील पण नाही, मला आवडतं गायला खूप आणि मी अशी फावल्या वेळात गात असते। ती सारखी सरदारजीच्या ह्याच्यात आल्यावर एक चूक करत असते की
फॉर एक्झाम्पल मी जेवण खूप छान बनवते बनवतो आणि आवाज असा ओय पाजी की कर रहे हो तुसी असं टाईप्स. थँक्यू सो मच भाई. ही फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. और इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में मैं एक मैसेज के साथ भी इस पिक्चर को दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को आप मैसेज देते हैं और उनको हंसा के देते हैं या फिर कुछ इंजॉय करके देते हैं तो मैसेज बहुत पावरफुल होती है, लोगों तक पहुँचती है. तो हम इस फिल्म में यही दिखाना चाह रहे हैं. मराठी की पहली आपकी फिल्म है जहाँ तक मुझे सुनने में आया. कितना मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए और कितना कठिन काम? बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और मैं इसके लिए आज से नहीं, हम लोग एक साथ से लगे हुए हैं और कंटिन्यूस सबसे मिलजुल के करने के लिए. और एक समझिए चैलेंज है मेरे लिए नॉन महाराष्ट्रियों के एक मराठी फिल्म करना और लैंग्वेज कितने वो हैं. इस फिल्म में ख़ास बात ये रहेगी कि इसमें हंस हंस के लोगों को मैसेज दिलाना और लोगों को कहीं बोरियत ना होने पाए और हमारा मैसेज लोगों तक पहुंच जाए हमारे पिक्चर बनाने का. और उस कहानी के माध्यम से ये हम दिखाएंगे. किस तरह की कहानी? ये कहानी है एक लड़की, आजकल के ज़माने में जो लड़कियां भागकर शादी कर रही हैं या लव मैरिज कर रही हैं, बट मैं देखता हूँ काफ़ी न्यूज़ में यहाँ वहाँ सुना हूँ 90% लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है. लेकिन सक्सेस क्यों नहीं होती है, इसके पीछे क्या कारण है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं. इसमें जहाँ तक मैंने देखा है कि जो लव मैरिज होते हैं या लड़कियां भाग के जो शादी करती हैं उसमें माँ बाप का आशीर्वाद नहीं हाथ में रहता है, ना लड़के के माँ बाप ना लड़की के माँ बाप आशीर्वाद जब साथ में नहीं रहता है तो शायद इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. और फिल्म के कलाकार कौन कौन से होंगे सर? इस फिल्म में तो हमारे राजेश सिंगापुरे जी हैं, विकास पाटिल जी हैं, नेहा गदरे है और मोहन जोशी हैं, उषा नाटकर्णी जी हैं, हर्षा गुप्ते हैं, संजय मोहिते हैं, सब बड़े बड़े आर्टिस्ट को हमने इसमें रखा है. फिल्म के गाने कितने होंगे और कब तक दर्शकों के बीच में ये हमारे इस फिल्म में 4 गाने हैं और ये हमारे मई 1st वीक तक हम इसको रिलीज़ करने का प्लान बनाए हुए हैं इसी महीने. फिल्म में तो पूरा जीवन का, पूरे जितनी मेहनत इतने साल का है पूरी इस फिल्म में जुड़ी हुई है. अच्छा. गड़बड़ झाली फिल्म, मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं डॉक्टर जितेंद्र राठौड़ जी, बस हम लोगों ने काफ़ी सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं. तो एक हम लोग बैठे बैठे फिर हम लोग प्लान किए कुछ ऐसा अलग कुछ ऐसा किया जाए जो लोगों के बीच में एक अच्छी, बहुत दिनों से टेस्ट मिली नहीं है ऐसा कुछ सोचा जाए. फिर हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं रोमांटिक एंटरटेनमेंट पे प्रयास किया जाए. फिर हम लोगों ने काफ़ी स्क्रिप्ट वगैरह पे काफ़ी खोजबीन किए तो उसमें से बहुत अच्छा से मिले जो हमारे डायरेक्टर हैं संतराम जी, उन्हीं की ये कहानी है और वही हम लोग फिर फाइनल किए और फिर आगे का प्लान शुरू कर दिए गड़बड़ झाली. सालों की दोस्ती और इतने प्लानिंग के बाद आपने गड़बड़ झाली कर दी. यस उसमें के तो अब तो गड़बड़ झाली होना ही चाहिए. एक कॉमिक पिक्चर है, पिक्चर में कॉमेडी रखते हुए एल्डर्स को किस तरह चिल्ड्रन से रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने पेरेंट्स को, वो उद्देश्य से बनाया गया है पिक्चर. इसमें फुल खूब बहुत सारा कॉमेडी है और गुड सॉन्ग्स. जैसे फिल्म का टाइटल है गड़बड़ झाली, हाँ, तो ये टाइटल आपको किसी ने बताया या फिर आपने खुद चूज किया? हमने खुद चूज किया हुआ है. क्या सोच के चूज किया? क्या पिक्चर में फुल कॉमेडी है, गड़बड़ी गड़बड़ी, इसके लिए पब्लिक को एंटरटेन करेगी इसके इस तरह. फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़.